इधर की तरफ अपन लोग नेम रखेंगे, फिर आप जो है वाई एक्सिस की बात करेंगे, फिर एक्स एक्सिस की बात करेंगे, फिर वाई इंटरसेप्ट की बात करिए, फिर एक्स इंटरसेप्ट की बात करिए, फिर स्लोप की बात करिए। और स्लोप में याद रहे कि एम जो है दैट वैल्यू इज माइनस वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लगा के स्लोप करिएगा। फिर उसके बाद आप इक्वेशन को यहां पे रखिए और फिर उसके बाद जो है ग्राफ आ जाएगा। ये चीजें जो है अपन रखने वाले हैं। जिसने सब कर लिया उसके दिमाग में ये सब एकदम हलवा लगने वाला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एलबी के लिए। एलबी के लिए एक्स वाई एक्सिस क्या था, वन अपॉन बी, एक्स एक्सिस क्या था, वन अपॉन एस। अगर वन अपॉन वी जो है वाई एक्सिस है तो इंटरसेप्ट क्या होगा, वन अपॉन वी मैक्स। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस वन अपॉन के एम। स्लोप क्या हो जाएगा, के एम अपॉन वी मैक्स। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, के एम अपॉन वी मैक्स। अब अगर आपको x एक्सिस पता है, y एक्सिस पता है, इंटरसेप्ट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन आपको निकालने आता है ना भाई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लिखो y, लिखोगे तो 1 अपॉन v, m लिखोगे के एम अपॉन वी मैक्स, x लिखोगे 1 अपॉन s प्लस c लिखोगे 1 अपॉन v मैक्स, ठीक। ये है, अब ग्राफ यहीं पे प्लॉट फटाफट। तो जब जैसे ही आप इसकी ग्राफ की बात करोगे तो इस तरीके से ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। अब इस ग्राफ में ये वैल्यू जो होगी वो होगी 1 अपॉन वी मैक्स, ये वैल्यू जो होगी माइनस 1 अपॉन के एम होगा, ये एक्सिस 1 अपॉन एस है, ये एक्सिस 1 अपॉन वी है, और जो स्लोप की बात आप करोगे वो स्लोप क्या हो जाएगा, के एम अपॉन वी मैक्स, ठीक। पल्ले ये था एलबी, ठीक है। अब एलबी से जो है मुझे अगर हैंस वुल्फ निकालना हो तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना होता है, सबस्ट्रेट को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, हैंस वुल्फ, ठीक है। अब हैंस वुल्फ में जो एक्सिस आती है देखिए वो होता है एस अपॉन वी, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। अगर एस अपॉन वी सबस्ट्रेट है तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, के एम अपॉन वी मैक्स, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस के एम, और स्लोप क्या हो जाएगा, वन अपॉन वी मैक्स। चलिए इक्वेशन लिखिए फिर फटाफट इसके लिए। वाई एक्सिस लिखेंगे एस अपॉन वी, एम लिखेंगे वन अपॉन वी मैक्स, एक्स फिर उसके बाद एक्स एक्सिस लिखेंगे एस, फिर प्लस सी लिखेंगे के एम अपॉन वी मैक्स। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर ध्यान दे रहे हो तो सिर्फ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की जरूरत है, सिर्फ, बाकी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ उसी एक्सिस से निकाल रहा हूं। अब ये चीज पता चल गई तो आप ग्राफ भी जो है पूरा का पूरा जो है निकाल सकते हो, ग्राफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कुछ बचा थोड़ी है। ये हो गया ग्राफ। अब ग्राफ में जरा देखिए, यहाँ पे एक ग्राफ लगभग सिमिलर होता है, बस थोड़ा सा एक्सिस अलग हो जाएगा और चीजें। तो अब मैं अगर एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस में यहां पे होता है एस, वाई एक्सिस में होता है एस अपॉन वी, एक्स एक्सिस में एस है तो इसका इंटरसेप्ट माइनस के एम, वाई इंटरसेप्ट में एस अपॉन है, एस अपॉन वी है तो वो हो जाएगा के एम अपॉन वी मैक्स, और स्लोप हो जाएगा आपका वन अपॉन वी मैक्स, ठीक है। ये क्या था, हैंस वुल्फ। इसके बाद अगर हमें लिनवेवर बर्क से ईडी हॉप से निकालना हो तो हमें किस चीज का मल्टीप्लाई करना होता है जनाब, यहां पे वी इन नॉट इनटू वी मैक्स का, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है ईडी हॉफसी प्लॉट। ईडी हॉफसी प्लॉट में जो वाई एक्सिस होता है वो होता है वी, तो एक्स एक्सिस हो जाएगा वी अपॉन एस,
एक्सिस ही ध्यान रखना, अगर ये दोनों एक्सिस क्लियर है तो बात बल्ले बल्ले है। चलिए अभी एक्सिस क्लियर है तो वी है, तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, वी वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा वी मैक्स। अगर वी अपॉन एस है तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वी मैक्स बाई किया। यहां पे मैंने माइनस क्यू नहीं लगाया है, जबकि मैं बाकी दोनों जगह पे लगा रहा था, क्योंकि यहां पे माइनस क्या होगा, स्लोप। माइनस क्या होगा, स्लोप होता है, और वो माइनस स्लोप कितना हो जाएगा, वी मैक्स कैंसिल होकर ये की एम आ जाएगा। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इक्वेशन लिखोगे तो वाई की वैल्यू लिखोगे वी, फिर माइनस के एम, एम की वैल्यू, एक्स की वैल्यू लिखोगे वी अपॉन एस, और फिर वाई इंटरसेप्ट लिखोगे वी मैक्स। ये हो जाएगा, और ग्राफ फिट बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनता है, नेगेटिव स्लोप के साथ, लाइक दिस वन। और नेगेटिव स्लोप के साथ बनेगा, आपके पास एक्स एक्स एक्सिस आप लिखोगे वी अपॉन एस, वाई एक्सिस लिखोगे वी, वाई इंटरसेप्ट होगा वी मैक्स, एक्स एक्सिस होगा वी मैक्स अपॉन की एम, और जो है स्लोप हो जाएगा आपका नेगेटिव, दैट इज माइनस के एम, दैट इज द दिस इज द रेडमिक कैप्सूल। एक स्लाइड में आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, अगर आपने सिर्फ एक्सिस ध्यान में रखा है तो सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी।